हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने मेरे पापा ने जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था वो कुर्ता पहना है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना अच्छा लगता है कि नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा। अभी मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ। मेरे बाल भी देखो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, पर आज आई होप आज मैं हेयर में ऑयलिंग करवाऊँ। पर उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे शॉप की है सेकंड एनिवर्सरी। जब ओपनिंग हुई थी 2 साल पहले, शॉप करो रोमा मेकअप स्टूडियो की, दोनों की ओपनिंग हुई थी इसी दिन। वो डे बहुत मेमोरेबल था हम दोनों के लिए, चिकू और मेरे लिए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी, यानी हम इतने टाइम से जो कुछ भी कर रहे थे वो हमारी मेहनत उस टाइम पे लग रहा था ना रंग ला रही है, क्योंकि हम पहले जो भी काम करते थे वो घर से, प्रॉपर हमारा यानी वर्क स्पेस नहीं था और जो भी करते थे वो घर से करते थे। पर फिर फाइनली हमारा वर्क स्पेस हुआ, मेरा स्टूडियो भी हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया, हमारी शॉप भी हमने वहाँ शिफ्ट कर दी और मेरा मेकअप स्टूडियो भी हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। मेकअप मैं सिर्फ घर पे ऐसे ही करती थी, यानी कहीं कुछ ऑर्डर होते थे तो जाके करती थी, ऐसा कुछ रहता था। पर फाइनली सब कुछ ये पॉसिबल हुआ और बहुत ही अच्छे से 2 साल निकले हैं और बहुत मज़ा आया। तो चलो फटाफट से आज रेडी होके सलोन जाते हैं। और आज मैंने सोचा है मटर पनीर बनाती हूँ। आज मैं मम्मी पापा को कोई बाहर खाने का है, बट आज मैं मेरे स्टाफ के लिए मेरे हाथों से खाना बना के लेके जाने वाली, क्योंकि आज का डे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं मेरे हाथों से खाना बना के उनके लिए लेके जाऊँ। तो बस सब्जी तो बन गई है, आटा मैंने लगा दिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके जाने वाली, सिर्फ मटर पनीर और रोटी। हालांकि जो स्पेशल ट्रीट है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे पर होगी, पर ये वाली छोटी ट्रीट मेरी तरफ से। क्विकली स्किन केयर, नोज़ पिन मैंने निकाल दी थी, क्योंकि मेरी नोज़ पिन का जो पीछे का वायर है, बता दूँ मैं, दिख रहा है ये नोज़ पिन का जो वायर है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कल मुझे क्या पता एकदम से रात को मैं फेस वॉश कर रही थी तब लग गया, तो मैंने निकाल दिया था। थोड़ा हाथों के साथ मैंने जो जुल्म किया है कपड़े धो के, बहुत ज़्यादा जलते हैं यार, क्योंकि मैंने सीधा डिटर्जेंट से धोने बैठ गई थी मैं। तो ये ब्यूटी को का जो बॉडी लोशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे काफ़ी हद तक हाथ सही हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से छिल चुके थे हाथ तो मेरे। और क्या पता मेरे इस जगह पे एलर्जी होनी स्टार्ट हो गई गर्मी की वजह से, पता नहीं। और बिंदी मस्त है, क्योंकि मेरे को बिंदी के रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ की डिब्बी सालन पे ही पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर इस लिपस्टिक से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि सूखा मांग जो है वो ख़त्म हो गया है मेरे पास। तो मैंने है ना हीना दीदी से लिया था, क्योंकि उनके मांग का शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो डिब्बे भरवा के वहीं रख दिए यार। और मेरे बाल अभी बड़े हो गए, पर मैं बाल बड़े करने का ही सोच रही हूँ, देखते हैं लास्ट लेंथ कितने तक जाती है। इतने तक तो आ गए, यानी कमर से हल्के से ऊपर है। यस, आई एम रेडी। और अब चलो चलो, कहाँ मेरा एक चीज़ रह गया, मुझे आज लगाना है परफ्यूम। और मैं मेरे जो भी स्पेशल डेज हैं उनके ऊपर कौन सा परफ्यूम लगाती हूँ मैं बताती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर मेरे स्पेशल डे पर अच्छा लगता है, क्योंकि वो परफ्यूम जो है वो हमारी शादी का परफ्यूम है। क्योंकि मैन सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट डे तो वही था लाइफ में, फिर मैं और जिगू सारे डेज को इसी से जोड़ते हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस यानी क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़ोरदार है, मस्त। अब तैयार कंप्लीट, चलो अब रोटी बना के हम भागते हैं हमारे काम पे। लंच हमारा तैयार है, मैं और चिकू दोनों जने यहाँ पर बैठ के खाना खाने वाले हैं भगवान वाले रूम में, कि मुझे यहाँ पे मस्त लगता है, चिकू को भी यहाँ पे अच्छा लगता है। चिकू यहाँ आके सो जाते हैं, तुम यहाँ आके सोते क्यों? अच्छा लगता है, अरे कुछ भी है नहीं, भगवान वाली जगह पे एक अलग ठंडक अच्छा लगता है।
मेरी प्लेट किसका दो। और ये आज हमारी प्लेट मटर पनीर की सब्जी, ये मम्मी ने सुबह पराठे बनाए थे तो एक पराठा मैंने ले लिया है, बाकी रोटी ली है। और ये हमारा सलाद, और चिकू तो आपके लिए गाजर ही खा रहे हैं। क्या पता चिकू को खीरा सूट नहीं होती है, पता चला क्यों सूट नहीं होती है? क्योंकि वो खीरा इसलिए सूट नहीं होती। ये कोई रीजन नहीं हुआ, कुछ ये पता कुछ चला ही नहीं है। मैं पेट खराब होता है खीरे से। देखो कुछ भी हो सकता है, एलोवेरा फेस के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर कितने जनों को सूट नहीं होती है। डैंड्रफ होती है एलोवेरा से। हाँ हाँ यार, मैंने पता है मैं क्या सोचती थी पहले कि एलोवेरा हर किसी को सूट होता है, खीरा भी क्या है बॉडी में वाटर स्पेस जो होता है उसको फुलफिल अच्छे से करता है अपना हर चीज़ में, यानी खीरा बॉडी के लिए अच्छा है, पर कितने जनों को सूट नहीं होता है। मैंने देखा तुमको सूट नहीं हो रहा था, यूँ तुमने बताया ना, तो फिर मैंने नेट पर सर्च भी किया था तो वाकई कितने जनों को सूट नहीं होता। अब मेरे को जैसे कि देखो दूध सूट नहीं होता है, पर पनीर सूट हो जाता है, आइसक्रीम सूट हो जाती है, सिर्फ दूध सूट नहीं होता है। अभी खाना खाते हैं मस्त, और चिकू को तो सिर्फ गाजर ही दी है खाने में, और इनको गाजर बड़ी अच्छी भी लगी है। अभी गाजर हालांकि बहुत अच्छी आई है, पूरे सीजन की अच्छी गाजर हमने अभी खाई है। खाना हो गया है, बस अब जाते हैं शॉप पे, और चिकू कुछ कर रहे हैं यार रूम में काम, तो 5 मिनट रुकना पड़ेगा। इतनी देर में मैंने स्टैंड वगैरह सब क्लीन कर दिया, क्योंकि हमारी जो बाई जी है उनको कहीं पे जाना था, सो उनके पास टाइम था नहीं, तो अभी स्टैंड में क्लीन किया है, बर्तन रहने दिए, शाम को आके वॉश करूँगी, क्योंकि एक बज चुकी है, मैं लेट हो गई हूँ इसलिए। और ये टिफ़िन भी मैंने भर दिया है सबके लिए खाना। यार ये बाथरूम कौन खुला रखता है, मेरी चिक्कलें गुज जाएंगी। मेरा वॉशरूम सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके वो मैं कभी खुला नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे है ना चिपकलियों से बहुत डर लगता है, और अभी समर्स आ गया है, चिपकलियाँ ही चिपकलियाँ चारों तरफ। फाइनली फ्री होके अब सब जने खाना खाने बैठे। कैसा लगा खाना? टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी। किसने बनाया पनीर की सब्जी? टुकली सर को कैसे? हमारे रोमा जी ने बनाई है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, अच्छी बनी। क्यों आप भी इसको सोच रहे थे किसने बनाई है? आपको क्या लगा किसने बनाई? कोई कुक बना के खिलाई लगा? खाओ ना, खाओ चोर है, खा लिए बाद में रह जाएगी। मैंने कहा देखी वो आज पेट फूल है तो आज बहुत सारा खाएगा। हाँ मैं सोच के आई थी कि मैं नहीं खाऊंगी, तो मुझे पहले से डांट पड़ी थी कि मैंने दूध नहीं पिया, उधर को रोटी नहीं। सबने मस्त खाना खाया है, एंजॉय किया, आज तो पूरा दिन मटर गटर मछली की है। आज ट्यूटोरियल बनाना था पर नहीं बना, क्योंकि आज मूड ही नहीं था यार। सलोन पे आने के बाद सब जने इतने चिल मूड में बैठे हुए थे और मस्त सब जने बातें कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो भी काम था वो किया, पर यूँ ट्यूटोरियल बनाने जितना मूड नहीं था तो फिर नहीं बना पाए, पर कल बनाने का ट्राई करेंगे। आज जितने भी मेरे ब्रशेज वगैरह हैं वो वॉश कर देते हैं, ब्लेंडर्स वगैरह क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अभी मेकअप्स हो गए हैं इसलिए, और थोड़े थोड़े टाइम में हालांकि करते ही रहते हैं पर थोड़े थोड़े क्या कुछ दिनों दिनों में करते रहते हैं, पर अब मेरे ट्यूटोरियल चालू होंगे सो इसीलिए थोड़ा क्लीन व्लीन करके कंप्लीट प्रॉपर कर देते हैं। और अंदर भी सारा बिखरा पड़ा हुआ था क्योंकि टेबल्स वगैरह सब उधर साइड शिफ्ट कर दिए थे मेकअप करने के अकॉर्डिंग, पर अब भी थोड़ा सा इधर साइड खिसका के सही कर देते हैं। चल टेबल वेबल्स अपन जगह पर रख देते हैं, पूरी तैयारी करके रख देते हैं, बाकी तो क्या है। और ये मैंने अभी जींस लिए न्यू, सारे ब्रशेस निकाल दिए हैं, अब इनको क्लीन करना है, ब्लेंडर वगैरह सब इसी में रख दिए हैं। और जो मेरा अर्ली मॉर्निंग का एक मेकअप था उसके ऊपर चिकू चेयर पे सो गए थे ऐसे कैसे, तो ये बाहर शॉप करो वाली चेयर टूट गई तो फिर मेकअप स्टूडियो वाली चेयर ले गए हैं वो बाहर। ये सारी लाइट्स का सिस्टम जो है वो थोड़ा दूर कर देते हैं, ये जितने भी पैलेट वगैरह वो एक तरफ यूँ कर देना, यहाँ पे भी यहाँ पर कुछ और कुछ रखा हुआ है। एक लिपस्टिक ये रही इसकी मिस कॉस की, हाँ एक ही कम पड़ रही है। ये हमारे ब्रश धुल चुके हैं,
अभी सारे ब्रश धुल चुके हैं और यहाँ पर सारे जमा दिए हैं और ब्रश ड्राई भी कर दिए हैं, ब्लेंडर भी इसी के अंदर है। और ट्यूटोरियल आज नहीं बना पर कोई बात नहीं, कल हम ट्राई करेंगे ट्यूटोरियल बनाने का। और आज पूरा दिन हम क्या सब जने यार सुस्त थे आज, क्या पता माहौल इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा कोई एक जना कोई दुखी हो जाता है तो सब एक साथ साथ में दुखी हो जाते हैं। ये वाला ब्लाउज मेरा सही होके आ गया, मैंने इस कलर का डेनिम लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कैमल कलर, ये डार्क ग्रीन कलर का एकदम फेड ग्रीन कलर आता है ना, पॉटल ग्रीन कलर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मुझे मिल चुका है और अब मैं जाऊंगी घर पे, चिकू को कॉल करती हूँ मुझको लेने आएंगे। बाकी शाम को आज मुझे कुछ खाने की इच्छा है नहीं, आज सोचूँ शाम को सिर्फ फ्रूट्स खाऊँ क्योंकि अब मुझे थोड़ा फिट होने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। क्या हुआ तेरे को, खांसी क्यों हो गई, फिट हो गई उनके लिए फिट होने के लिए। फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ, अब घर आने के बाद घर के काम करती हूँ। काम क्या है, मैं तो 3-4 दिनों के भाई जी ने कपड़े अब भी समेटे हैं तो ये सारे कपड़े हमको रखने हैं अपनी अपनी जगह पे। कपड़े तो सारे संभाल दिए हैं, अब सुबह के जो बर्तन पड़े हुए हैं वो वॉश कर देते हैं क्योंकि बहुत खाना भी बनाना है इसलिए। तो खिचड़ी में ले जाओ, पेट बना ले जाओ, सब्जी भी है, मैं हती करूँ वर्जन के लिए। मम्मी बोल रही, मना बोल रही क्योंकि पीठ बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ कुकर का यूज़ होता है, कुकर तो फ्री है इसलिए वक्त सुबह भाई जी के लिए फिर बर्तन ही नहीं रहेंगे। एक मिनट तो अंदर है और एक के बाहर है, तो देखो एक दूसरे को बुला रहे हैं, वो कान बहरा कर दे ऐसे चिल्ला रहा है। बोल दो एक बार मत्ती का लेते, बोल दो बोलो मत्ती का ले। अभी यहाँ पर चिकू मेरा व्लॉग एडिट कर रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें मैं व्लॉग में ऐसी खतरनाक बोलती हूँ यानी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, हालांकि मैं जब व्लॉग एडिट करती थी तब मुझे भी इरिटेटिंग लगती थी पर चिकू जब हाँ सब मिक्स एंड मैच बोलती हूँ, क्या पता उल्टा ही बोलती हूँ, पूरा सेंटेंस उल्टा बोलती हूँ। और कितनी बार तो होता है ना रीटेक लेती रहती हूँ, अगर चिकू पास में होते हैं तो फिर वो बोल देते हैं मेरे को कि गलत, फिर वो वापस से मैं शूट करती हूँ। पर अभी वाला तो इतना गजब का था, यानी मुझे खुद को सुनने में बहुत ऑड लग रहा था यार, मैं इतना गलत बोलती हूँ क्या। तो हमने अभी खाने में खा लिया है पीठ, वो एक्चुअली क्या मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिना दीदी से बातें कर रही थी और बहुत दिन हो गए थे बात सही से हुई नहीं थी, पर आज हो गई अच्छे से। शिवादी आज सैटरडे था तो बात नहीं कर पाए थे क्योंकि हम रोज़ हमारा फिक्स है 7 से 7 बजे से हम चालू हो जाते बात करना, फिर लगभग हमको 8-8:30 हो जाती है, फिर कभी 8 बजे कॉल होता है, 9 भी हो जाती है, कभी 10 भी हो जाती है बातें करते करते, और मस्त शाम निकल जाती है। और एक तरफ चिकू एडिट कर रहे होते हैं व्लॉग, अभी वहाँ पर बैठ के व्लॉग एडिट हो रहा है और मैं अभी बहुत सारी डांट खाने वाली हूँ क्योंकि आज मैंने व्लॉग में सब गप्पड़ सपड़ी किया है, आज मुझे सुबह से मूड था नहीं क्या, आज सुबह से ही मैं बहुत लो फील कर रही थी। अब हम सब दिन एक जैसे नहीं रख सकते ना, कभी कभी हम लो फील कर सकते हैं, नॉर्मल है। और अब से मेरे सैलून के लिए भी चिकू सिस्टम पूरा एकदम चेंज करने वाले हैं, बिलिंग सिस्टम करने वाले हैं तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कल उसका सब प्लान सेटअप कर दोगे ना? कल से ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी तेरी। हाँ क्योंकि मुझे भी उसके लिए प्रॉपर थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आदत में है नहीं क्योंकि कस्टमर की सर्विस हो जाती है फिर हम तो डायरेक्ट भेज देते हैं, पर प्रॉपर जो बिलिंग वगैरह होगी मज़ा आएगा, सोच के ही मज़ा आता है। अब देखो ये होता है कैसा लगता है, एक बार तो सीखेंगे प्रॉपर, गलतियाँ भी नहीं होनी चाहिए अब तो। फिर स्टाफ को भी मैं एक बार सीख लूँगी फिर स्टाफ को समझाऊँगी। बस यहीं पर मैं व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ आज का व्लॉग, आई होप देखने के बाद आपको अच्छा लग गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में, बाय।